हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माच मिस्टी मोड, जहां हम आपके लिए कुकिंग और ट्रैवल के अलावा बहुत सारे मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक टेस्टी कुकिंग रेसिपी। जी हां, ये है प्रॉन नगेट्स। प्रॉन तो आप लोग जानते ही होंगे, तो हिंदी में ये बोलते हैं झींगा और बंगाली में बोलते हैं चिंगड़ी। तो इट्स चिंगड़ी माछे नगेट्स और झींगा मच्छी का नगेट्स और प्रॉन नगेट्स। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल। तो देखते रहिए प्रॉन नगेट्स कैसे बनाते हैं। तो देखिए, बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए और हमें बताइए कैसा रहा। तो प्रॉन नगेट्स कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले हम लेंगे प्रॉन्स। प्रॉन को अच्छी तरह से साफ कर लिया हमने। उसके बाद उसके साथ लेंगे हम ऑनियन, दो छोटे छोटे ऑनियन, जिंजर गार्लिक मतलब अदरक लहसुन और हरी मिर्च और धनिया पत्ता या कोरिएंडर लीव्स। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, आप देखते रहिए। तो पहले हम जो प्रॉन्स है उसको अच्छे से, जैसे मैंने बताया, धो के साफ कर लिया है, बाहर का छिलका उतार लिया है, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने दिखाया उसको हम डालेंगे, जैसे अदरक लहसुन हरी मिर्च, जो प्याज लिए थे हमने थोड़ा से काट लिया है क्योंकि उसको मिक्सी में घुमाना है इसीलिए, और उसमें डालेंगे हम एक अंडा, एक छोटा सा एक हम डाल देंगे। इसमें जो मिक्सर होता है उसको मतलब बांधने में अच्छा होता है, तो इसको हम मिक्सी में मिक्सर करेंगे। तो ये देखिए मिक्सी हो गया, मिक्सर हमने कर दिया, ये ऐसा बन जाएगा। तो इसके बाद इसको हम प्रिपरेशन करेंगे। ये देखिए अच्छे से बन गया है। तो अभी एक कढ़ाई लेंगे, थोड़ा सा फ्लैट कढ़ाई हो अच्छा तो अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, गर्म करेंगे तो थोड़ा गर्म हो जाए, तो जो भी हमने मिक्सर बनाया था प्रॉन्स का उसको हम डाल देंगे। इसको अभी अच्छे से थोड़ा सा, ये आप कच्चा भी बना सकते हैं, बट हमने थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है ताकि खाने के टाइम अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे और थोड़ा सा कच्चा कच्चा ना लगे। तो और एक प्रॉन का स्मेल भी होता है, उसको हटाने के लिए हम इसको फ्राई कर लिए हैं। तो ये देखिए, इसमें हम डालेंगे एक दो मीडियम साइज बॉयल पोटैटो जिसको हम स्मैश कर लिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और काली मिर्च या ब्लैक पेपर पाउडर। तो ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मतलब जब ये अभी कढ़ाई में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे स्वाद अनुसार, ज़्यादा सॉल्ट थोड़ा सा देख के डालिएगा, जितना अपने प्रॉन या बगल में जो भी लिया है उसका हिसाब से सॉल्ट डालिएगा, ज़्यादा नमक हो जाए तो खाने में अच्छा नहीं लगता। तो देखिए ये फ्राई करते करते ऐसा बन गया है, थोड़ा सा कलर हो गया। इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे, ब्रेड क्रम्स सब मतलब बाजार से भी खरीद के ला सकते हो या फिर घर में भी बना सकते हो नॉर्मल ब्रेड से। और उसके बाद जो कोरिएंडर लीव्स हमने लिया था उसको चॉप करके हमने डाल दिया है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होता है, जो भी ये जो हम एक डो बना रहे हैं इसको अच्छे से मतलब जो भी इसको हम मतलब नगेट्स बनाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा, अच्छे से जो भी शेप अच्छे से बनेगा। तो अभी नगेट्स बनाने के लिए हमें और भी चीज़ें चाहिए, जैसे ब्रेड क्रम्स हमने ले लिया है, एक बेसन का बैटर हमने बना लिया है थोड़ा सा पतला, और जो भी हमने डो बनाया था प्रॉन्स का फ्राई करने के बाद, ये देखिए। तो ये तीनों से हम बनाएंगे एक छोटे छोटे गोल गोल या जैसे भी हम शेप चाहे वैसे हम शेप बना सकते हैं। ये देखिए हम अपने मन मर्जी से शेप बना सकते हैं, जैसे हार्ट शेप या फिर आप चौकोर मतलब ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, जैसे भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। हमने इसको गोल गोल बनाया है, ये गोल बनाने के लिए आप ऐसे शेप मतलब ऐसे यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसमें हम पहले बेसन बैटर में भिगोएंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स डालेंगे। तो ये हो गए फ्राई के लिए, रेडी टू फ्राई। तो ये हम दूसरा बनाएंगे, ऐसे सारे डो को ऐसे बना लेंगे और ऐसे बना के ब्रेड क्रम्स पहले बेसन बैटर में हम उसको भिगोएंगे, फिर ब्रेड क्रम्स लगा के इसको रख देंगे। तो सारे जब बन जाए तब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए सारे हमने बना लिए राउंड शेप में नगेट्स, ये अभी फ्राई करेंगे।
तो फ्राई करने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करेंगे और वेजिटेबल या रिफाइंड ऑयल डालेंगे एंड इसको डीप फ्राई करेंगे, जो भी नगेट्स है उसको डीप फ्राई करेंगे। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर डीप फ्राई से ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देखिए हमने अच्छे से तेल गर्म कर लिया है और जब नगेट्स डालिएगा तो थोड़ा सा जो आँच है उसको धीमी कर दीजिएगा, नहीं तो नगेट्स जल जाते हैं। तो पहले तेल को अच्छे से गर्म करना है, लेकिन जब नगेट्स डालेंगे तब आँच धीमी कर दीजिएगा। तो ये मीडियम आँच में इमेज को तलेंगे ताकि अंदर भी अच्छे से पक जाए, क्योंकि ये अंदर से ऑलरेडी पका हुआ है तो ज़्यादा हम इसको तलेंगे नहीं। थोड़ा सा गोल्डन फ्राई हो जाए, थोड़ा सा कलर आ जाए, तब हम इसको डालेंगे। तो पहले एक साइड का हो जाए, फिर दूसरे साइड का हम फ्राई करेंगे और इसको उतार लेंगे। तो गोल्डन टेस्टी फ्राई मतलब नगेट्स अच्छे से हो गया है। तो देखिए हम इसको उतार लेंगे, इट्स रेडी टू सर्व। एंड मतलब ये बहुत ही टेस्टी बना है, देखने में ही टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए इट्स रेडी टू सर्व, हमने सब उतार लिया है। ऐसे ही सारे मसाले को सब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये हमने मस्टर्ड सॉस एंड टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। आप मेयोनीज या जो भी दूसरे भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं। स्नैक्स आइटम के लिए इस लाइक इवनिंग स्नैक्स या मॉर्निंग स्नैक्स में आप खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। एंड बच्चों को तो बहुत ही मतलब स्नैक्स में उनको देंगे, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है एंड बच्चों को बहुत पसंद आता है, बच्चों के नहीं सबको पसंद आता है। तो घर में बनाइए, खाइए और हमें बताइए कैसा लगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब योर चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर मच मिस्टर गुरु। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। थैंक यू।